पर सर कुछ भी कहें, कांग्रेस चाहे किसी भी कारण से न्यूज़ में हो, पर वो न्यूज़ में है। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, ब्रिगेडियर साहब के बयान कोई इतने वायरल नहीं हो रहे, ना उन्होंने कोई ऐसा विवादास्पद बयान दिया। कांग्रेस की बात करें तो एक से बढ़कर एक, चाहे विक्रमादित्य के बयान हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी के बयान हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कहते नहीं है जिसको कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, होती पब्लिसिटी है। तो आपको लगता है कि ये कुछ क्या मतलब लोगों के जहन में ज़्यादा जिसको कहते हैं हम लोग ब्रांडिंग हो रही है कांग्रेस की? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास अभी तक अपने कैडर को संगठित करना है और लोगों के बीच में संदेश भी पहुँचाना है कि मुकाबला बड़ा है। देखिए, मुझे लगता है इस समय इस चुनावों में सबसे अधिक नुकसान जिस व्यक्ति को हुआ है वो सुखराम परिवार है। इस चुनाव में अभी तक ना कांग्रेस उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है ना भाजपा, और ये चुनाव अगर उनके बिना लड़ गया तो उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा क्वेश्चन। एक जगह से भाजपा भी बैकफुट पर है, वो है जुबल कोटखाई का। आज हमने देखा बरागटा जी ने अपना, पहले तो गायब रहे सारा दिन, बीजेपी ने पूरी फील्डिंग सेट की हुई थी कि भाई कहाँ है, ढूंढो कहाँ गए बरागटा जी। अब शाम को पता चला, उन्होंने एक वीडियो मैं देख रहा था अभी, उन्होंने एक संदेश दिया है और कहा है कि नहीं मैं डटा हूँ फील्ड में। क्या लगता है आपको, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे भाजपा के वोटर्स को? भाजपा ने हर चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा है और कांग्रेस हर बार उनकी गुगली में फंसी है। जहाँ वो प्लेयर लगाते हैं वहीं कैच देते हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस बैटिंग भूल गई है या भाजपा मजबूत है। ये वाला तो हिट विकेट था, सेल्फ गोल। सत्ता का सेमीफाइनल स्पॉन्सर्ड बाय रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट मंडी शॉप नंबर 13 और 14, को स्पॉन्सर्ड बाय संकल्प क्लासेस नियर चौक, पावर्ड बाय रिफ्रेश मैट्रेसेस इंडियाज नंबर वन कस्टमर सेटिस्फेक्शन ब्रांड विद 99.5% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सत्ता का संग्राम अपने पूरे जोर पर इस वक्त चला हुआ है, और इस वक्त मैं आपको बताऊं मैं इंदिरा मार्केट में हूं। ऐतिहासिक इंदिरा मार्केट है ये, मंडी के शहर के बीचों बीच, और ये घंटाघर है, ऐतिहासिक घंटाघर, जिसकी जो काफ़ी बार रिनोवेट हो चुका है, और अभी भी आप देख सकते हैं वुडन वर्क है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे वुड वर्क यहाँ पे किया गया है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं इंदिरा मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है ये, बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट था जब हिमाचल में इस प्रकार की मार्केट उस ज़माने में जब ये बनी थी। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और हमारे साथ कोई आज नेता नहीं है, आज हमारे साथ हैं पंकज पंडित जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं मंडी से, और काफ़ी सारे अखबारों में ये काम कर चुके हैं, बहुत ही बड़ा इनका एक्सपीरियंस है पंकज सर का, और इस वक्त दैनिक भास्कर के ब्यूरो हेड हैं मंडी में, और बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं ये राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर। तो इनसे थोड़ा सा चर्चा विचार करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आजकल हमारा जो समय है, आपको पता है मीडिया वालों का काफ़ी व्यस्त चल रहा है, लेकिन उस व्यस्तता के बीच आपने समय दिया हमें, उसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और मैं जानना चाहूँगा सर, क्या लग रहा है आपको, अब ऊँट किस करवट बैठ रहा है, क्या लग रहा है, क्या समीकरण बने रहे हैं अभी तो मतलब कितना आज, अभी मेरे को लगता है कि 19 का दिन रह गए इलेक्शन के लिए, वोटिंग वोट चुन इसके कास्टिंग के लिए, तो क्या लग रहा है अभी आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहली बात है कि जब उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में हमेशा ही मतदाताओं का रुझान ज़्यादा नहीं होता है, और जो हार्ड कोर होता है, जो कैडर होता है, वो ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और दूसरी मार सबसे बड़ी इस बार पड़ी है फेस्टिवल सीजन की। कोरोना के बाद अब थोड़ा सा व्यवसाय उठा है, तो मार्केट में एकदम अब त्यौहार का सीजन है, करवा चौथ है, दीपावली है, और इसमें बाज़ार बूम पे है, तो उसका असर भी इन चुनावों पे साफ नज़र आ रहा है कि नेता कार्यकर्ता इनको छोड़कर अभी आम जनता मुद्दों से और पार्टियों से अलग थलग नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि दोनों दलों को अपना जो कैडर है उसको एक्टिव करने में भी अभी काफ़ी समय लगेगा, मशक्कत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अभी मुझे लगता है सोशल मीडिया गर्म है, लेकिन कुल मिलाकर के फील्ड अभी बड़ी शांत है, खामोश। बीच बीच में कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं कि थोड़ी गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाता है, अभी कल प्रतिभा जी का एक बयान आया, तो अमूमन मतलब लगभग मेजोरिटी ऑफ कांग्रेसी ये लोग कह रहे थे, जितने हमारी कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही थी, कि पलड़ा उनकी तरह भारी है, और जो वीरभद्र जी का फैक्टर है कि उनको एक श्रद्धांजलि टाइप से उन्होंने पूरा उसी इस इलेक्शन को मोड़ने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन जो कल का बयान है प्रतिभा जी का, उन्होंने कहा कि करगिल वॉर कोई बहुत बड़ा वॉर नहीं था, पूरे के पूरे युद्ध को उन्होंने एक तरीके से उसमें कटघरे में खड़ा कर दिया, और उसको जिस तरीके से बीजेपी ने उस मुद्दे को उछाला,
आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट कर सकता है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कांग्रेस की कैंपेन? देखिए, आप पिछले 7 साल के चुनाव देख लीजिए। जैसे क्रिकेट में होता है कि हर खिलाड़ी का जो बेस्ट होता है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर, उस पर खेलता है। और भाजपा ने पिछले 7 साल से उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फुट जो है वो है राष्ट्रवाद। भाजपा ने हर चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा है और कांग्रेस हर बार उनकी गुगली में फंसी है। जहां वो प्लेयर लगाते हैं वहीं कैच देते हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस बैटिंग भूल गई है या भाजपा मजबूत है। ये वाला तो हिट विकेट था, सेल्फ गोल। देखिए, और सेकंड, जैसे ही मंडी में प्रत्याशी तय हुआ, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और कारगिल, फील्ड सेट हो गई थी। निश्चित तौर पर था कि भाजपा अपने स्ट्रांग होल्ड राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रवाद का अभी तक तो कांग्रेस के पास पूरे देश में कहीं कोई तोड़ नहीं मिला है। बिल्कुल, तो कांग्रेस उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में फंसी थी। और प्रतिभा सिंह जी का ये बयान, उस बयान को किस तरह से लिया है दिया, वो राजनीतिक लोगों का बयान है, उस पर वही चर्चा करें, अच्छा रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जब बॉल आपकी गली में मिलेगी तो भाजपा तो नहीं छोड़ेगी। भाजपा का पूरा आईटी, पूरा उनका पूरा सिस्टम बैठा था, दे आर वेटिंग फॉर दिस टाइम। और जैसे ही मौका मिला, ताबड़तोड़ प्रहार। और अब जो अटैकिंग टाइम कांग्रेस के, वो डिफेंस में निकल रहा है। अब वो 2 दिन से बहुत डिफेंसिव हो गई। चुनाव की रणनीति यही है। अब ये मुद्दा लोगों तक कितना इम्पैक्ट करता है, अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड पे भाजपा को एक मौका मिला है, जिसका जवाब देने के लिए आज भाजपा मजबूर हो रही है। एक जगह से भाजपा भी बैकफुट पर है, वो है जुब्बल कोटखाई का। आज हमने देखा बरागटा जी ने अपना, पहले तो गायब रहे सारा दिन, बीजेपी ने पूरी फील्डिंग सेट की हुई थी कि भाई कहाँ है, ढूंढो कहाँ गए बरागटा जी। अब शाम को पता चला, उन्होंने एक वीडियो मैं देख रहा था अभी, उन्होंने एक संदेश दिया है और कहा है कि नहीं, मैं डटा हूँ फील्ड में। क्या लगता है आपको, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे भाजपा के वोटर्स को और वहाँ पे वोट काट सकते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है, कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक मैं जुब्बल कोटखाई की बात करूँ, जुब्बल कोटखाई ट्रेडिशनल एक विधानसभा है जो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जाती थी, और रोहित वहाँ पे पिछली बार भी कम वोटों से हारे थे। और चेतन बरागटा अति उत्साहित नेता हैं, पूरी तैयारी में थे। लेकिन आप आज देखिए, कांग्रेस की पहली, कांग्रेस पर सबसे पहले आक्रमण ही परिवारवाद का। चेतन बरागटा एक भाजपा की जो रणनीति थी उसके तहत उनका टिकट कटा है, क्योंकि कांग्रेस ने हर जगह परिवारवाद पर आधारित टिकट दिया है। वहाँ भवानी पठानिया हैं, वो भी परिवार से आते हैं, यहाँ पे प्रतिभा सिंह जी हैं। और भाजपा का ये शुरू से आक्रमण रहा है कि हम आम आदमी को आगे ला रहे हैं राजनीति, और कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। अगर नरेंद्र बरागटा को टिकट होता तो ये बयान भाजपा नहीं दे सकती। भाजपा ने एक रणनीति के तहत, भाजपा को पहले पता था कि कैंडिडेट जो है कांग्रेस के जो भी आएंगे वो सीधे परिवारवाद से जुड़े हुए आएंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और आम कार्यकर्ताओं का संदेश देना था कि आपको भी टिकट मिल सकता है। और महिला प्रतिनिधि की बात बड़ी उठ रही थी, कांग्रेस ने तो प्रतिभा को दे दिया, वहाँ भी 4 में 1 महिला देनी थी, तो आप 50% वोटर को इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो कोशिश की गई चेतन बरागटा को बिठाने की, लेकिन भावनात्मक है सारा ये किस्सा। और भावना, आपको लगता है उनके साथ भावनाएं, जनभावनाएं जुड़ी हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके जो वीडियोस हम लोग देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन उसको संभालने के लिए उतना बड़ा व्यवस्था करना अपने आप में बड़ी चुनौती रहेगी। और भाजपा का इतिहास रहा है कि भाजपा का कैडर बाहर नहीं जाता है, और बहुत दिन है अभी चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है कि चेतन बरागटा को इस भावनात्मक, जो उन्होंने एक मुद्दा बनाया है, इसको कितना वो जिंदा रख पाते हैं, इस पर ही उनकी विजय सुनिश्चित होगी। लेकिन निश्चित तौर पे त्रिकोणा मुकाबला है, इंटरेस्टिंग हो गया, और इसका कहीं ना कहीं एक एज जो है छोटा सा, वो रोहित को मिल रहा है। आप वापिस आते हैं सर यहाँ पे मंडी के, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है। अभी हमने देखा कांग्रेस की अगर बात करें तो आश्रय शर्मा और कौल सिंह जो फैमिली है उनका फिर से एक जो वाद विवाद शुरू हो चुका है, डायलॉग्स बाजी शुरू हो चुकी है। आश्रय जी ने कहा था कि अगर यही पैमाने पे मेरे को वोट टिकट नहीं दिया कि मैं हारा हुआ कैंडिडेट हूँ, तो वो दोनों भी हारे हुए तो उनको भी अगले साल टिकट ना दिया जाए। आपको लगता है कि ये जो पुरानी जो कुछ बैकग्राउंड उनकी पॉलिटिक्स थी, वो अब सामने उभर कर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है इस समय इस चुनावों में सबसे अधिक नुकसान जिस व्यक्ति का हुआ है वो सुखराम परिवार है।
इस चुनाव में अभी तक ना कांग्रेस उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है ना भाजपा, और ये चुनाव अगर उनके बिना लड़ गया तो उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि अनिल जी भाजपा में गए, साथ लोगों को ले गए, आश्रय जी तो आए कांग्रेस में पर लोग आधे वहीं रह गए, अब इनका कैडर हर चीज़ बटा हुआ है, और अब भी हालात ऐसे हैं कि ना कांग्रेस ना भाजपा, अभी दोनों दलों ने मुझे लगता है ये सोच लिया है कि अब सुखराम परिवार और सुखराम की राजनीति का उतना बड़ा प्रभाव मंडी संसदीय क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में ना ही अनिल शर्मा की चर्चा हो रही ना आश्रय जी, आश्रय जी खुद चर्चा में रहने के लिए बयानों में आ रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब तक कांग्रेस में भी उन्हें भले ही ऑब्जर्वर की सूची में डाला हो लेकिन कहीं भी एक्टिव वो नज़र नहीं आए, अनिल शर्मा जी तो ऑलरेडी ही को भवन में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं जनता से बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान ना कांग्रेस को होगा ना भाजपा को, लेकिन निश्चित तौर पे अगर ये लोग सक्रिय राजनीति में अब नहीं आते हैं तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस भाजपा नहीं सुखराम परिवार के लिए कठिन समय आने वाला है। कांग्रेस की बात करें सर, स्टार प्रचारक की हमने लिस्ट देखी थी, मेरी 3-4 दिन पहले बात हो रही थी रणधीर जी से जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, मैंने कहा कि आपके जो स्टार कैंपेनर है वो सिर्फ हिमाचल से जुड़े हुए नेता हैं, जबकि कांग्रेस ने तो पूरा एकदम सिद्धू चन्नी और अभी कन्हैया जी आए थे, फिर अपने राजीव शुक्ला जी आए थे 3-4 दिन पहले, तो कन्हैया का जो अगर मैं पॉइंट उठाऊं, ऑलरेडी हम एक तरफ ब्रिगेडियर साहब हैं तो राष्ट्रवाद, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की फेवरेट पिच है राष्ट्रवाद पर खेलना, कन्हैया को यहाँ पे उतारना आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इस मौके पे, मतलब जब हालांकि कन्हैया को क्लीन चिट मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जो भी उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने नारे लगवाए थे और वो खुद भी बहुत बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं, बट स्टिल जो उनकी एक आम एक परसेप्शन बना हुआ है पूरे सोशल मीडिया में या समाज में, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गलत चलेगा यहाँ पे? देखिए, ये आपको लग रहा है, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक राजनीति छुपी हुई है। कन्हैया जितना मर्जी विवादित हो लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप भी कहीं ना कहीं YouTube पे उसको सर्च करते हैं क्या बोला कन्हैया, मीडिया की डिमांड थी, बिना प्लान से आए फिर भी हर जगह उठे वो। और सेकंड बात ऐसी है कि इस समय माकपा का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो और जो माकपा का कैडर होगा वो भी, अरे माकपा का कैडर इस तरफ ही जाता है, ये भी एक बेनिफिट है। और कन्हैया को लाना, कन्हैया क्योंकि देखिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति पे उनको एक बड़ा चेहरा बना के उतारने की जो प्लान बनाई उसी का हिस्सा वो यहाँ टेस्ट कर रहे थे हिमाचल में, लेकिन हिमाचल में मैं स्पष्ट बोल दूँ हमारा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता ये सोशल मीडिया ये बयान गुमराह कर पाएंगे हिमाचल को, और राष्ट्रवाद तो हमारे घरों में कूट कूट के भरा है, हर चौथे घर में एक जवान है, हर 100 में एक शहीद हमारा है, सबसे ज़्यादा परमवीर चक्र हमारे हैं, परमवीर चक्र हमारे इस प्रदेश में, राष्ट्रवाद फौजी देश ये बताना मेरे आप जैसे लोगों का काम नहीं है, यहाँ की तो माँ पैदा होते उसके बच्चे को बताता है राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मुद्दा कितना काम आएगा ये सब अभी बहुत गहराई के मुद्दे, लेकिन कन्हैया निश्चित तौर पे कांग्रेस एक सनसनी जो पैदा करना चाहती थी वो पैदा कर गई, न्यूज़ में पर सर कुछ भी कहें कांग्रेस चाहे किसी भी कारण से न्यूज़ में हो पर वो न्यूज़ में है। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, ब्रिगेडियर साहब के बयान कोई इतने वायरल नहीं हो रहे ना उन्होंने कोई ऐसा विवादास्पद बयान दिया, कांग्रेस की बात करें तो एक से बढ़कर एक, चाहे विक्रमादित्य के बयान हो चाहे प्रतिभा सिंह जी के बयान हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कहते नहीं है जिसको कि पब्लिसिटी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव होती पब्लिसिटी है, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि ये कुछ क्या मतलब लोगों के जहन में ज़्यादा जिसको कहते हैं हम लोग ब्रांडिंग हो रही है कांग्रेस की? देखिए जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के पास अभी तक अपने कैडर को संगठित करना है और लोगों के बीच में संदेश भी पहुँचाना है कि मुकाबला बड़ा है, तो निश्चित तौर पर चर्चा पे तो रहना ही पड़ेगा, उतने फायर ब्रांड लीडर भी उनके पास नहीं है, निश्चित तौर पे जयराम ठाकुर बड़ा चेहरा है अपने आप में, अनुराग ठाकुर हैं आपके पास बड़े, और मंत्री हैं सरकार है कुल मिलाकर के, तो इस समय मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये प्रचार में नाम आगे आना और प्रतिभा सिंह का नाम लोगों की जुबान पे जाना उनके लिए वही बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ शुरुआत क्या हुई, शुरुआत ही कांग्रेस ने बड़ी ज़बरदस्त की, उन्होंने एक पोस्ट वायरल की श्रद्धांजलि के नाम पे, और मैं हैरान हो गया कि भाजपा के हर सोशल मीडिया हैंडल पे वो शेयर की गई, प्रतिभा का फोटो भाजपा ने शेयर किया, अगर कांग्रेस की रीच 1 लाख थी भाजपा ने 10 लाख पहुंचा दी उनको, तो देखिए ये राजनीति है, लेकिन
असली बात में वही कहता हूँ। वोट ना ये माइक देता है, ना मैं अखबारों में लिख के देता हूँ, ना सोशल मीडिया का विवाद बनाता है, वोट आम जनता देती है। और आम जनता रोजी रोटी में जुटी हुई है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें सुधर रही है। क्या वो खुलकर पहले बोल दूँ, बाई इलेक्शन में 10% तो वोटिंग परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, पहली बात। और इस बार जो माहौल है, चुनावी सीज़न है और साथ में त्योहारों का सीज़न है, ये घाल मेल के भी लोग कितना आते हैं और कौन पार्टी अपना कैडर कितना निकाल पाती है, उसी आधार पर इन चुनावों का फैसला होगा। ये मुद्दे हम और आप चर्चा करेंगे, आम आदमी के मुद्दे क्या है वो हमें ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल। और ये थे हमारे साथ पंकज पंडित जी, बहुत ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीतिक मुद्दों पर, हिमाचल के मुद्दों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, दैनिक भास्कर के इस वक्त ब्यूरो हैं, पहले भी इनका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में ये काम कर चुके हैं, मंडी की जानी मानी हस्ती हैं। और इनके साथ चर्चा करना मेरे लिए हमेशा ही बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहता है और मज़ा आता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन ही, कोई क्रिकेट की कमेंट्री सुनी जा रही है। सर बहुत से ऐसे और भी मुद्दे हैं लेकिन समय का अभाव होता है, हमको एक निश्चित ड्यूरेशन की क्लिप बनानी पड़ती है, तो फिर से आपसे मिलेंगे दो चार पाँच दिनों के बाद, फेज में मिलेंगे, वे थर्ड फेज है, तब तक शायद चीज़ें स्पष्ट होंगी, कुछ और कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी चुनावी कैंपेन्स में, तो उसके ऊपर फिर हम कुछ चार पाँच दिन के बाद फिर चर्चा करेंगे और आप हमसे हमारे साथ जुड़े। सर इसके लिए आपका मैं एक बार फिर से पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, कैंडिडेट्स को देखते रहिए और सुनते रहिए और समझते रहिए, और जिस दिन वोट है वोट करने ज़रूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर आप हैं तो उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।